गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, दिस इज़ आवर टूडेज EVS वर्क. क्वेश्चन नंबर 1, डू यू हेल्प द फैमिली विद द वर्क? क्या तुम अपने परिवार का उनके काम में उनकी मदद करते हो? आंसर है नॉट मच एज आई एम वेरी यंग नाउ. नहीं, ज़्यादा नहीं, क्योंकि मैं अभी बहुत छोटा हूँ या छोटी हूँ. बट समटाइम्स आई हेल्प माई मदर इन हर वर्क. लेकिन कभी कभी मैं अपनी मम्मी की उनके काम में मदद करती हूँ. बॉयज़ है तो करता हूँ. ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 है. आप इसका आंसर अपने अकॉर्डिंग भी लिख सकते हैं. अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 2, ये कह रहा है यू ऑल्सो लर्न मैनी थिंग्स फ्रॉम योर फैमिली, वॉट एंड फ्रॉम होम. ये कह रहा है कि आप अपने परिवार से बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं. तो वो क्या क्या चीज़ें हैं और कौन सी चीज़ आपने किस मेंबर से सीखी है वो लिखना है. इसके साथ ही साथ एक और क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, हैज़ एनीवन लर्न एनीथिंग फ्रॉम यू. क्या किसी ने आपसे भी कुछ सीखा है? तो ये 2 क्वेश्चन हैं यहाँ पर, इनके आंसर आपको लिखने हैं. तो आंसर यहाँ पर मैंने एक टेंटेटिव आंसर लिखा है, आपका आंसर इससे डिफरेंट हो सकता है. आई हैव लर्न पंचुअलिटी फ्रॉम माई मदर. मैंने अपनी मम्मी से पंचुअलिटी सीखी है. पंचुअलिटी का मतलब होता है सही समय पर काम करना. जैसे ब्रेकफास्ट मॉर्निंग में होता है, आपकी मम्मी अर्ली मॉर्निंग में उठ जाती है, सुबह उठती हैं और आपको ब्रेकफास्ट बनाकर देती हैं, फिर सही टाइम पर आपको रेडी भी करती हैं, नहलाती हैं, यूनिफॉर्म पहनाती हैं, है ना. फिर दोपहर को आपको लंच बनाकर देती हैं और नाइट में आपको डिनर देती है. तो वो सब काम आपकी मदर टाइम पर करती है. तो वहाँ से आपने पंचुअलिटी सीखी है. एटिकेट्स फ्रॉम माई फादर, और फादर से आपने एटिकेट्स सीखे हैं. एटिकेट्स का मतलब होता है शिष्टाचार, बिहेवियर. वो आपने अपने फादर से सीखा है कि किस तरह से हमें अपने पड़ोसी के साथ बोलना है, किस तरह से हमें किसी और से बोलना है, किस तरह से अपने ब्रदर सिस्टर मदर के साथ बिहेव करना है, कैसे बोलना है, वो सब आपने फादर से सीखा है. एंड मैनर्स फ्रॉम माई मदर, फादर, ग्रैंड पेरेंट्स, ब्रदर, सिस्टर. और मैनर्स तो हम सभी से सीखते हैं, अपनी मदर से भी सीखते हैं, फादर से भी सीखते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स से भी सीखते हैं, ब्रदर और सिस्टर, इन सभी से हम मैनर्स सीखते हैं. तो आपकी फैमिली में जो भी मेम्बर्स हैं उनके आप यहाँ पर नाम लिख सकते हैं. फिर जो दूसरा क्वेश्चन था उसका आंसर है माई ब्रदर / सिस्टर हैज़ लर्न शेयरिंग फ्रॉम मी. मेरे भाई ने या फिर बहन ने, जो भी आपकी फैमिली में है, ब्रदर है तो ब्रदर लिखेंगे और सिस्टर है तो सिस्टर लिखेंगे. हैज़ लर्न शेयरिंग फ्रॉम मी, कि आपने इसका लिखा है कि मेरे भाई ने या मेरी बहन ने मुझसे शेयरिंग करना सीखा है. और आपने कहाँ से सीखा है शेयरिंग? आपने अपनी फैमिली से और स्कूल से शेयरिंग करना सीखा है. कम्युनिटी लंच होता है हमारे स्कूल में, उसमें हम शेयरिंग कर ही तो खाते हैं. तो वहाँ से आपने शेयरिंग सीखा है. जब दोपहर में यहाँ पर लंच होता था तब आपने फ्रेंड के साथ अपने खाने को शेयर करते थे. तो आपने यहाँ से शेयरिंग सीखा और आपने आपसे आपके भाई ने या फिर सिस्टर ने आपसे सीखा. आगे लिख रहे हैं आई ऑलवेज शेयर माई चॉकलेट्स स्वीट्स एटसेट्रा विद हिम / हर. मैं हमेशा अपनी चॉकलेट्स और स्वीट्स, इसके अलावा और भी चीज़ें हैं, वो उनके साथ शेयर करती हूँ या करता हूँ. अभी यहाँ पर ये ध्यान रखना है बच्चों आपको, अगर आप ब्रदर ऊपर लिख रहे हैं, माई ब्रदर / सिस्टर जहाँ पर है वहाँ पर अगर आप ब्रदर लिख रहे हैं तो नीचे आपको विद हिम और हर, तो यहाँ पर हिम लिखना होगा, क्योंकि बॉयज़ के लिए हिम होता है और गर्ल्स के लिए हर होता है. और अगर आप ऊपर सिस्टर लिखेंगे तो नीचे हर लिखेंगे. ठीक है बच्चों, आंसर आपके इन क्वेश्चन के डिफरेंट हो सकते हैं, क्योंकि ये आपको अपनी फैमिली के अकॉर्डिंग लिखना है. बस ये है कि आपको समझ में आना चाहिए. ठीक है, थैंक यू.